6 जनवरी को पानीपत में राहुल गांधी की रैली होने जा रही है, जिसको लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता दिन रात एक कर रही हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा रविवार को स्थानीय कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए पानीपत पहुंचे थे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा से सर्दी भरे मौसम में राहुल गांधी के टी शर्ट पहनने के बाद का जिक्र किया गया, तो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये सब तक है और तासीर पर भी डिपेंड करता है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा वालों को सब जानना है तो गंगोत्री घूम कर आना पड़ेगा। पानीपत प्रदेश का सेंटर है, तो भौगोलिक और ऐतिहासिक नगरी है पानीपत। भौगोलिक रूप से हरियाणा का मध्य है और ऐतिहासिक रूप से पानीपत से जो फैसला आया है उसने देश को दिशा दी है। तीन तीन यहाँ पे ऐसे युद्ध लड़े गए, उन्होंने देश को देश के इतिहास को बदलने का काम हुआ या पानीपत के अंदर रिकॉर्ड। देखो अभी तक ये भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी रैली बताते हैं शेगांव में हुई थी, यहाँ पे 1.25 लाख आदमी थे। हमारा लक्ष्य है कि यहाँ सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो, तो निश्चित तौर से उससे तो ज्यादा ही होंगे। कितने होंगे, जैसे जैसे जोश बढ़ रहा है, अभी तक कल तक हम 1.5 लाख की बात कर रहे थे, आज हमारा थोड़ा विश्वास और बढ़ रहा है हर रोज, तो हम आखिरी आंकड़ा आपको जारी करेंगे 6 को।